एक क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। किसी बार कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बिना जाने अगर आप फिल करते हो ऑनलाइन फॉर्म, तो यस और नो में ले जा सकता है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी में ले जा सकता है। इसलिए हर अपने क्वेश्चन को सीरियसली लीजिए, जितनी मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ लीजिए, और खुद एनालाइज करके फिर डिसीजन लीजिए। मैं ये बात हर बार कह रहा हूँ। मैं बेशक वैलिड सोर्स से पता करके डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके आपके सामने पेश करता हूँ, आपने लेकिन अपना भी ये लगाना है। क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार, क्या पूछा जा रहा है कि सर मैं जनरल फीमेल में फिल करूँ या मैं जनरल में फिल करूं, क्योंकि जनरल में सीट्स हैं। जी फॉर एग्जांपल पंजाबी की पोस्ट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने अपने सब्जेक्ट की अपने डिसिप्लिन की एग्जांपल लेके, जितनी उनकी कैटेगरी और सब कैटेगरीज बन रही हैं उनकी एग्जांपल लेके चलना है। ये प्रॉब्लम ही क्वेश्चन ही क्या है बेसिकली, कैटेगरी वर्सेस सब कैटेगरी। ठीक, तो जनरल की फिल करूं, बहुत है पोस्ट उसमें, 39 है। यस बिल्कुल, कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फिल करूं, सर उसमें कम है, 9 पोस्ट है। जनरल फीमेल में फिल करूं, उसमें 16 है। जनरल फीमेल ईडब्ल्यूएस, इसमें सर मैं ना फिल करूं, ये बहुत कम सीट्स हैं। तो जो फीमेल भी हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आप फीमेल है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ये यूजफुल है। बहुत मैंने नहीं डिसाइड करना, ये आपने डिसाइड करना है। आपने प्रॉब्लम है, डिसीजन है, तो आपके लिए यूजफुल है, नहीं तो कोई यूजफुल नहीं ये वीडियो आपके लिए। इसके अलावा कलर बदल लेते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल, शेड्यूल्ड कास्ट एक्स सर्विसमैन, शेड्यूल्ड कास्ट जो देखिए 17 है, यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, तो किस कैटेगरी में मुझे फिल करना चाहिए? ऐसे ही बीसी फीमेल, बीसी एक्स सर्विसमैन, बीसी एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन फीमेल। ठीक, ये कैटेगरी देखिए, ये सीट वेरी कर रही है, 6 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो नेक्स्ट है स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन की एक कैटेगरी है, एक सीट है, कम है, सर इसमें ना फिल करूं। स्पोर्ट्समैन एससी है, ठीक, इसमें 2 सीट्स हैं, और स्पोर्ट्समैन फीमेल है, इसमें भी 2 सीट्स हैं, मैं किस कैटेगरी में फिल करूं? ये क्वेश्चन है, इसको समझ लेना चाहिए, एम्पिरिकली समझ लेना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लें कि फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरी से शुरू करता हूं, हो सकता है इसमें से आपका कोई क्वेश्चन भी आ जाए जो आपने एग्जाम देना है। अच्छा, पहले इधर चलते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, वापस चलते हैं, ये रहा बोर्ड हमारा, ये पहले वापस चलते हैं यहाँ पर। ये इसको रब कर लें थोड़ा सा, ये नहीं हमें चाहिए, ये डिलीट कहाँ से होगा, ये रहा। तो सबसे पहले ये समझ लें कि रिजर्व कैटेगरी में फायदा होता है या नुकसान भी हो सकता है। रिजर्व कैटेगरी क्यों, रिजर्वेशन होती क्यों है ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का एक कंसेप्ट है जो हमारी सोशल हायरार्की है, उसमें ये डिवीजन है। ठीक है, टॉप में ये हायर रैंक वाले सोशल वाले हैं, ये लोएस्ट। ओके, तो एक सोशियोलॉजी में कंसेप्ट है मोबिलिटी, एक क्वेश्चन भी यूजीसी में आता होता है, वर्टिकल मोबिलिटी, वर्टिकल। ओके, तो जो लोग कभी बराबर थे, जहां ऊपर से नीचे उनको सोसाइटी ने धकेल दिया, या जिनके साथ अनजस्ट हुआ है, न्याय नहीं हुआ, ये बात सच है, कुछ कैटेगरी के साथ नहीं हुआ न्याय, ये डिबेट अलग है। तो उनको जो ऊपर से नीचे आ गए हैं, जहां उनके साथ अनजस्टफुली नीचे आ गए हैं, उनको नीचे से अब ऊपर लेके जाना है, ये इसको कहते हैं ऊपर ले जाने को, वर्टिकल या अपवर्ड, अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक, तो अगर कुछ कैटेगरीज हैं जिनकी अपवर्ड मोबिलिटी लेके जानी है, इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है। नंबर एक, डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए है? डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस के लिए है, जस्टिस। ओके, इनजस्टिस हुआ था, अब जस्टिस के लिए डिस्क्रिमिनेशन है। जो डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस के लिए होता है ना, उसको इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी।
इक्विटी, इक्विटी के उनको जस्टिस मिलके वो इक्वल स्टेटस पर आ जाएं, उनको इक्वालिटी मिल जाए। इक्वालिटी एम होता है, इक्विटी एक प्रोसेस है। ठीक, तो बेसिक पर्पस रिजर्वेशन का क्या है? रिजर्वेशन को इस कलर से लिखते हैं, रिजर्वेशन का। ओके, रिजर्वेशन का पर्पस है कि जिनके साथ अनजस्ट हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, उनको अपवर्ड लेके जाना है। मीन अपवर्ड, उसको ये यूजीसी में वैसे आता है, अपवर्ड मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि आपकी लाइफ स्टेटस को जो आपके पास है उसको बेटर करना है। ठीक है, वो इकोनॉमिकली भी, सोशल रिस्पेक्ट भी बेटर करनी हो सकती है, कुछ भी है। यहां पर पोस्ट का मामला है, अपॉइंटमेंट का मामला है, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन का मामला है। तो ये सारी रिजर्वेशन का पर्पस क्या हुआ कि अपवर्ड लेके जाना है। ठीक, तो यहां से क्लियर है कि रिजर्व कैटेगरी में आपको फिल करने का नुकसान पर्पस क्या है, आपको नुकसान देना या आपका फायदा करना। नेचुरली इस एरो पर आपकी रिजर्वेशन होती है, दैट इज वाई अगर यहां वीडियो बंद करना है कर सकते हो। मतलब के रिजर्व कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट फिल करने का दूसरी कैटेगरी से फायदा ही सोचा गया है, सोचा किया जाएगा, तो आपको उसमें ही फायदा होगा। तो नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो ये पोस्ट हैं हमारी जनरल कैटेगरी, जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे फायदा होना है, क्यों, कौन सी कैटेगरी में फिल करूं, क्योंकि पोस्ट नंबर डिफरेंट है, एक कैटेगरी में 5 है, एक में 9 है, 39 है, हाय 39 इसमें फिल कर दूं। तो ऐसे अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप डैश डैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मैंने कैटेगरी ऐसे कैसे फिल की है, ये है वेरिएबल रिसर्च में इसको बोलते हैं, यहां पर ये कैटेगरी है। ठीक, इधर ये कैटेगरी है, यहां एरो डाला है, इस तरफ देखना है, ये इस तरफ सिर्फ देखेंगे कैटेगरी है। अगर इस ब्लॉक में देखोगे तो वो सब कैटेगरी है। ठीक, तो अच्छा एक बात सीधी सी है, सॉरी, जनरल में दो लेवल्स हो गए रिसर्च के, वेरिएबल के जैसे होते हैं, मेल और फीमेल, टू लेवल्स हैं। यहाँ इकोनॉमिक स्टेटस के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सेक्शन। अब क्वेश्चन क्या ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे, मैं जनरल में हूँ और मैं 16, मैं फीमेल हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं फीमेल हूँ तो मैं 16 पोस्ट के लिए अप्लाई करूं या 5 के लिए अप्लाई करूं, इस सब कैटेगरी के लिए अप्लाई करूं। ये बात देख लेना हमेशा ही कि जब आप सब कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हो आपको बेनिफिट मैक्सिमम होता है। कारण क्या है कि उस सब कैटेगरी में लोग ही बहुत कम अवेलेबल होते हैं। दूसरा कि मान लीजिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग सेक्शन जो के मेल का है, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ये वाली सीट 39, मान लीजिए 39 का जो टेस्ट आया हुआ उसकी लास्ट रैंकिंग गई है, मान लीजिए 78 तक गई है। ठीक, इनकी 78 तक। अब जो ये जो फीमेल, अकेला फीमेल है, सिर्फ फीमेल हो आप, इकोनॉमिकली स्ट्रांग सेक्शन से हो, पुअर नहीं हो, ठीक, तो इनकी जो मेरिट है, ये रिजर्व कैटेगरी आ गई। रिजर्व कैटेगरी के फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स जो हैं वो आपने मार्क्स ले लिए 79, ये मार्क्स आपने ले लिए, तो आपकी सीट ये जनरल में कन्वर्ट होके आपको जनरल में मिल जाएगी। ठीक, मतलब के अगर आपके हायर रैंक आता है जो के अगली जनरल कैटेगरी से की लास्ट कट ऑफ से ऊपर रहता है तो आपको जनरल का बेनिफिट मिल जाता है। तो रिजर्वेशन वाला जो नीचे वाला था उसको फायदा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जो जनरल कैटेगरी का है ये इधर शिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये 16 वाला इधर शिफ्ट कर सकता है। ये 16 वाला
जिसकी कट पॉइंट यहाँ लास्ट ये जनरल वाले की थी और इनकी आपकी रिजर्व से अपनी रिजर्व कैटेगरी से ऊपर आ गई, जनरल के लास्ट से थोड़ा ऊपर आ गई, तो आप जनरल में कन्वर्ट होके आपने जनरल की एक सीट खाली ले ली, ठीक है। तो ये हो सकता है। और दूसरा मेल जनरल है, ये रहा वीकर सेक्शन, ऐसे ही हरा पेन लेंगे यहाँ पर, ऐसे ही वीकर सेक्शन इधर आ सकते हैं, इधर, सॉरी वहाँ यहाँ ब्लैक लेना था, ये इधर आ सकते हैं, ठीक। लेकिन ये वाले इधर नहीं जा सकते, मैंने एरो नहीं बनाया, कंफ्यूज ना होना। तो ऐसे ही लास्ट में देखिए कि ये फाइव वाले जो फीमेल हैं, ये सब कैटेगरी वाले, ये किधर भी जा सकते हैं, ये इधर भी जा सकते हैं, नंबर एक, ये इधर भी जा सकते हैं, ठीक है, और ये इधर भी जा सकते हैं। मीन के सब कैटेगरी की, मान लीजिए आपकी रिजर्व की 16 की फीमेल की यहाँ तक कट लग गया, ठीक है, और यहाँ 9 वालों का, ये जो मेल जनरल 9 है, मान लीजिए यहाँ पर कट लग गया, ये यहाँ पर, ठीक। तो ये 5 जो हैं, अगर इनके इनसे ऊपर मार्क्स आते हैं, मान लीजिए किसी के ये 5 कैटेगरी में, आप ये डर रहे हो कि आपके 75 आए थे, तो आप इधर कन्वर्ट हो जाओगे, जनरल वाले में आप, आपकी उसमें सीट मिल जाएगी। अगर आप उससे नीचे हो तो आपको उस कैटेगरी सब कैटेगरी में सीट मिलेगी। हाँ, ये इसमें इसमें अगर आपने इतना एनालिसिस करना आपको डिफिकल्ट लगता है, तो कंक्लूजन ये है, जो सब कैटेगरी वाला है, कैटेगरी की सब कैटेगरी, मतलब मैं फीमेल भी हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन सा कलर करूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबसे ज्यादा बेनिफिट इनको है, प्लस एंड प्लस, ठीक। तो ऐसे ही हम दूसरी को भी समझ सकते हैं, जो अगला इंटरेक्शन है उसको भी समझ सकते हैं। ये रहा एससी कैटेगरी है, ठीक, तो एक्स सर्विसमैन है। सिंपल इस टेबल से समझ लेते हैं कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, बेशक वो 17 है, शेड्यूल्ड कास्ट फीमेल 11 है और शेड्यूल्ड कास्ट एक्स सर्विसमैन है। अगर शेड्यूल्ड कास्ट एक्स सर्विसमैन प्लस ये फीमेल भी हैं, ठीक है, तो आपको एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट में प्रेफर करना चाहिए। ये 6 वाली बेस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि इस कैटेगरी में शख्स मिलते नहीं है, इनका बेनिफिट नंबर 1 होगा। अगर सेकंड नंबर पर शेड्यूल्ड कास्ट और फीमेल, इनकी पोस्ट 11 है, और थर्ड नंबर पर शेड्यूल्ड कास्ट एक्स सर्विसमैन और फीमेल के बिना, नेचुरली ये मोस्टली मेल ही होंगे, फीमेल भी हो सकती हैं, ये कैटेगरी थर्ड बनती है इनकी, ये ऐसे प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट दोबारा क्लिक करके बताता हूँ कि ये रहा आपका बीसी, बीसी फीमेल और बीसी एक्स सर्विसमैन। फिर मैं कह रहा हूँ एक्स सर्विसमैन नंबर 1, बेशक वो 3 पोस्ट हैं, बीसी फीमेल ये 6, ये सेकंड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, फिल करनी चाहिए आपको, और थर्ड पर आपको बेशक 8 पोस्ट हैं, वो थर्ड प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास बीसी, आप फीमेल हो तो आप बीसी फीमेल ये वाली फिल करनी चाहिए आपको कैटेगरी, अगर एक्स सर्विसमैन है तो ये, अगर आप बीसी मेल हो तो आप यहीं रह गए, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हम एससी फीमेल में फिल करें या एससी में फिल करें। मैं, मेरा जवाब है एससी फीमेल में आप फिल कीजिए, सब कैटेगरी का फायदा सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ये रहा एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन फीमेल, ये एक्स सर्विसमैन फीमेल का सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, इसमें सीट्स भी सबसे ज्यादा है, दोनों में अगर चॉइस करनी हो। स्पोर्ट्समैन में सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा स्पोर्ट्समैन एससी में और फीमेल में, दोनों में सीट ये मिलते ही नहीं है, पर्सन मिल ही नहीं रहे।
एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन नहीं मिल रहे पर्सन, और स्पोर्ट्समैन जो मेल बन रहे हैं बेशक ये वन का, इनको तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन किन के पास है? जो फीमेल है प्लस उनके पास कोई और कैटेगरी है, तो उनको वो कॉम्बिनेशन वाले सब कैटेगरी में फिल करना चाहिए। तो ये था आपका आंसर कि आपको किस कैटेगरी में फिल करना चाहिए। एक बात कह दूं, बहुत ज़रूरी है कि आप जो एमसीक्यू वाला कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप काफ़ी शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई कर रहे हो जो यूट्यूब से आप देखते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुक्का नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लेकिन साइंटिफिक तुक्का लगाना चाहिए। एक रेफरेंस दे के, इस बुक का रेफरेंस दे के कि रिसर्च बेस्ड ये बुक है, इस पर मैंने भी कुछ रिसर्च या एनालिसिस ऑफ डाटा किया है बार बार पिछले 9-10 सालों से। अगर पीएचडी करवा रहा हूँ, उससे पहले अगर मास्टर लेवल के थीसिस डिसर्टेशन करवा रहा हूँ, तो एनालिसिस में मैंने काफ़ी कुछ लर्न किया है, ऐसे ही डाटा एनालाइज किया है एमसीक्यू के बारे में। और जो इंटरनेशनल रिसर्च है, इस बुक का हवाला रेफरेंस दिया जाता है रॉक ब्रेक्स सीजर। इस बुक के जो बार बार हैं विलियम पाउंडस्टोन, बार बार आप इसका नाम सुनोगे और आपको ये कहा जाएगा कि अगर आपने तुक्का लगाना है ए बी सी डी में कौन सा बेटर है, अगर नहीं दिखता तो ये वाली परसेंटेज ज़्यादा है, ये वाली कम है, तो फुट स्टेप, ऐसे कई वो आपको सुजेशन दिए जा रहे हैं गैस लगाने के, तुक्का लगाने के। उनको भी ज़रूर देखिए, लेकिन मेरा जो पर्सनल रिसर्च का एनालिसिस है एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि ये तुक्का लगाने की तकनीक को जो आप अप्लाई कर रहे हो, शायद जो जने अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने जो अपवर्ड जाना था, अपवर्ड थोड़ा बहुत तुक्का लगा के अपवर्ड जाना था, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा वो नीचे आ रहे हैं। अगर वो अनसाइंटिफिकली गैस लगा रहे हैं, ठीक है, गैस अगर पॉजिटिव मार्किंग है, इस टेस्ट में भी आपकी पॉजिटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और यूजीसी नेट के में भी नहीं है, सीटेट में नहीं है, पीटेट के नहीं है, स्टेट लेवल के टेस्ट में नहीं है, तो जहां पॉजिटिव है वहां गैस जी यू ई डबल एस गैस लगेगा, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गैस अगर आप गलत लगाओगे तो आप पहले से भी नीचे जाओगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। उस वीडियो में मैंने ये कहना है, वो वीडियो इसके जल्द ही, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ उस पर, इसके बाद ही उसको अभी पीपीटी ही तैयार कर रहा हूँ उसकी, तो उसको अपलोड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा मैं, आप उससे देख सकते हो। ये बात नहीं है कि मैंने ऐसा कह दिया आप अप्लाई करो, मेरा भी एनालिसिस जो होगा उस पर आपने अपनी सोच को लगाना है, फिर अप्लाई करना है। सुजेशन फीडबैक के लिए थैंक यू।